बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डर्टी हैरी ने हुक्म दिया है कि मुराद सईद चाहिए जिंदा या मुर्दा। कसूर पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि अपने लोगों की अमन की बात की है, ये बात की है कि 80,000 शुहदा पाकिस्तान ने पेश किए, मजीद शुहदा उठाने हमने नहीं है। हमने ये कहा है कि आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। हमने ये कहा है कि हमने खुशहाली, तरक्की और अमन देखा है। हम किसी को भी इजाजत नहीं देते कि हमारे लोगों को एक दफा फिर से ईंधन बनाया जाए। और ये जरायम की तफसील बड़ी खतरनाक है। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये मुराद सईद को अगर रस्ते से हटाना चाहते हैं तो आपने रुकना नहीं है, आपने खुद फैसला करना है कि आपने खुददारी से जीना है, आपने हकीकी आजादी हासिल करना है, आपने अपने लोगों को और अपने पाकिस्तान को किसी की लड़ाइयों में और किसी के लिए ईंधन नहीं बनाना। और मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं जो ये हुक्म देते हैं कि चाहिए जिंदा या मुर्दा, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये हर गेम समझ चुके हैं, इनको पता है कि किस चीज के पीछे कौन लोग है, और ये रुकने वाली नहीं है। ये हकीकी आजादी हासिल करके रहेंगे, ये पाकिस्तान को गुलामी से निजात दिलाएंगे, ये पाकिस्तान को पराई जंगों में नहीं शामिल करेंगे, ये मजीद जनाजे नहीं उठाएंगे, ये अमन, खुशहाली और तरक्की से जिएंगे। ये पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है।